डोंडी लोहारा क्षेत्र के बुरेड़ी कोसमी और मुरिया मार्ग के मरम्मत करे के मांगला लेके आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण मन संबलपुर गांव में बालोद राजनांदगांव मुख्य मार्ग में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करी। जेकर ले राजनांदगांव बालोद धमतरी मार्ग में आवागमन हा कुछ देर बाद बंद हो गए रही। उन्हें SGF डोंडी लोहारा ठाकुर राम के समझाइश के बाद ग्रामीण मन चक्का जामला बंद करी। ये क्षेत्र के ग्रामीण मन के कहना है कतको बछर ले सड़क के मरम्मत नहीं होए ले रद्दा में जगह जगह अब्बड़कन गड्ढा हो गए है और आए दिन ये रद्दा में अवैया जवैया लोगन मन दुर्घटना के शिकार होवत है। ये समस्या ला ले के ग्रामीण मन कई घाव क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित जिला प्रशासन ला घलो अवगत कराई थे। एकर बावजूद आज तक रद्दा के मरम्मत नहीं हो पाई जेन वजह ले सैकड़ों नाराज ग्रामीण मन मजबूर होके सड़क में चक्का जाम करी। हमारा मुख्य मुद्दा है संबलपुर बोधेरी मार्ग और संबलपुर मुड़िया मार्ग, ये दोनों की जर्जरा स्थिति आप देखेंगे तो आप चल फिर नहीं पाएंगे। कई गर्भवती महिलाएं गई है, उनके हादसा का शिकार हुआ है, कई गाड़ी वाले गए हैं उनको हादसा का शिकार होना पड़ा है। आवागमन के साधन में जब बाइक वाले या साइकिल वाले जब जाते हैं तो बड़ी गाड़ियाँ जब गुजरती है उनको खेतों में गिरना पड़ा है, उनके साथ दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा है। और ये आज का नहीं है, ये कम से कम 15 से 20 साल का है। और ये दुख की बात है कि मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय हमारे मंत्री जी अपने मायके ग्राम की कोसमी की रहने वाली है और उनको ये 5 साल विधायक रह चुके हैं, है उनको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए, देखना चाहिए, ये उनका क्षेत्र आता है। तो मैं आप लोग से यही कह आपके माध्यम से हमें किसी से कोई हमको राजनीति करने नहीं आया, ना हमको भाजपा ना कांग्रेस, सब कांग्रेस वाले भी चलते हैं भाजपा वाले भी चलते हैं, सबको इसको ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहना है। किस तरह का आश्वासन मिला प्रशासन से? हमारा आश्वासन जो मिला है जो उन्होंने एक बताया है कागज में कि इसके अनुसार हमको बनना है, हमारा कहना है कि इसका पूर्ण मार्ग हो, पूर्ण चौड़ीकरण के हिसाब से मार्ग हो, कम से कम प्रधानमंत्री योजना के तहत वो मार्ग बनना चाहिए, उस लायक है, आज से नहीं कई सालों से पड़ा हुआ है, तो चौड़ीकरण हो तो लोगों को सरलीकरण भी होगा, अगर चौड़ीकरण होगा तो सरलीकरण होगा। और थूक पाली से काम नहीं होना चाहिए, बकायदा जो पुरानी गिट्टियाँ हैं उसको उखाड़ करके उसको नई मरम्मत ढंग से कराए, थूक पाली से करके काम कराए तो फिर जो है इससे ज़्यादा बड़ा उग्र आंदोलन होगा, फिर वहाँ छोटे छोटे बच्चे आएंगे, महिलाएं आएंगी, सभी आएंगे। फिर अपना नाम बोलिए। अपना नाम मैं